प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम सभी बेयरफुट टेक्नीशियन संगठन के अध्यक्ष उपाध्यक्ष और पूरे मध्य प्रदेश से 1020 बेयरफुट टेक्नीशियन हैं, जिनकी केंद्र सरकार से लेकर एक परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें जो उत्तीर्ण छात्र हैं उनको शासन के खर्चे के ऊपर 3 माह का प्रशिक्षण दिया गया था। और प्रशिक्षण में हम लोगों को यह बताया गया था कि आप लोगों को यहाँ से प्रशिक्षण पूर्ण करने के सर हम बेयरफुट टेक्नीशियन हैं, हमारे पंचायत स्तर पर एक वैकेंसी निकाली गई थी मनरेगा के अंतर्गत, जिसके अंदर 2500 सक्रिय जॉब कार्ड पर एक बेयरफुट टेक्नीशियन का चयन होना था। इसका जिला पंचायत लेवल पर पहले एग्जाम ली गई थी, एग्जाम लेने के बाद में हमें 3 माह के आवासीय प्रशिक्षण पर पहुँचा दिया गया, जहाँ पर हमें आवासीय प्रशिक्षण मिला। और प्रशिक्षण के उपरांत NHDCI जो भारत सरकार की स्वतंत्र संस्था है, उसने एक संस्था हायर की हुई ASSCI एग्रीकल्चर काउंसिल ऑफ इंडिया, उससे हमारी एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम ली गई। उसमें उत्तीर्ण BFTO को पंचायत स्तर पर क्लस्टर पंचायत पर नियुक्त किया जाना था, पर 18 माह बीत जाने तक हमारी नियुक्ति नहीं हो पाई है सर, और अभी तक हम बेरोजगार हैं। अन्य सभी राज्यों में इसकी नियुक्तियां हो चुकी है, जैसे कि उदाहरण राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, इन राज्यों में नियुक्तियाँ हो चुकी है। मध्य प्रदेश के बेयरफुट टेक्नीशियन अभी तक बेरोजगार है। और सर हम ग्रामीण वर्ग से मजदूर परिवार से निवास करते हैं सर, मजदूर परिवार इसका चयन प्रक्रिया का यह उद्देश्य था कि जो मजदूर है उसके बेटा बेटी या खुद स्वयं मजदूर भी इसमें अप्लाई कर सकता था, उसकी कम से कम योग्यता 10वीं रखी गई थी। इसमें हम पास होने के बाद अभी तक बेरोजगार हैं सर। उस समय मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, मेरे पापा मनरेगा मजदूर है, उस श्रेणी में मैं आता था, तो मैंने अप्लाई किया था, इंजीनियरिंग कर रहा था। उसके उपरांत मैं ट्रेनिंग पे गया, ट्रेनिंग पे दिल्ली से पधारे अरविंद महेश्वरी जी से मैंने संपर्क किया कि सर मैं BE कर रहा था, मैं यहाँ ट्रेनिंग पे आया हूँ, क्योंकि मेरी घर की आर्थिक स्थिति खराब थी, मैं गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप द्वारा इंजीनियरिंग कर रहा था। तो अरविंद जी ने बोला कि अब तुम्हारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी, तुम्हें इसमें 15 दिन उपरांत नियुक्ति मिल जाएगी। पर ट्रेनिंग के 18 माह बीत चुके हैं, उससे मेरी BE भी छूट गई सर, और अभी तक नियुक्ति भी नहीं मिल सकी, मेरा भविष्य पूरा खतरे में डाल दिया शासन। मनरेगा विभाग में जो मजदूरों के लिए बहुत अच्छी स्कीम थी जो केंद्र ने लागू की थी, जिसका नाम है बेयरफुट टेक्नीशियन, इसमें इसका सिस्टम था कि 2500 जो सक्रिय जॉब कार्डधारी जो युवा है या उनके परिवार से है, उनमें से परिवारों में से नियुक्तियां दी जानी थी, जिसका जिला स्तर पर टेस्ट हुआ था। उस टेस्ट में एक गणितीय टेस्ट हुआ था, उस टेस्ट में जितने भी लोग सम्मिलित हुए थे उनकी गणितीय एग्जाम हुई थी, उसमें से मध्य प्रदेश में से 1024 लोग उत्तीर्ण हुए, जिन्हें क्षेत्रीय ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केंद्र पर जो संभागीय स्तर पर मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत कार्य करता है उसमें भेज दिया गया। वहाँ पर 3 महीने का आवासीय प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का 70,000 के समथिंग गवर्नमेंट का खर्च हुआ था। उस खर्चे के बाद हमें NHDCI जो केंद्र सरकार की स्वतंत्र संस्था है, उसके द्वारा ऑनलाइन परीक्षा ली गई। उस परीक्षा में हम 952 लोग उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण के बाद जब कुछ प्रशासनिक अधिकारी लोग आते थे, हम उनसे पूछते थे कि सर हमारा क्या होगा, तो उन्होंने बोला कि आपको इस ट्रेनिंग के बाद आपको 15 दिन के अंदर अंदर आपको रोजगार दे दिया जाएगा। किंतु 18 माह बीत जाने के बाद आज तक भी हमें किसी प्रकार का कोई रोजगार नहीं मिला है। माननीय कई बार हम मुख्यमंत्री जी के पास भी जा चुके हैं, कई बार आवेदन दे चुके हैं, जिला पंचायत CO SDM साहब, यहाँ तक कि जनपद स्तर, जिला स्तर, यहाँ तक कि जो मनरेगा विभाग की मुख्य आयुक्त जो GB रश्मि मैडम है, उनको भी हम आवेदन दे चुके हैं। उनका बोलना है कि आपके लिए कोई फंड नहीं है, तो इस प्रकार की समस्या अन्य राज्यों में क्यों नहीं, केवल मध्य प्रदेश में फंड की समस्या क्यों है?